12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया था, जिसे आप अटल सेतु के नाम से जानते हैं। अब बहुत जल्द मुंबई वासियों को एक और तरक्की वाला तोहफा मिलने वाला है, जो मुंबई के लोगों के जीवन को आसान और हाईटेक बनाएगा। नाम है कोस्टल रोड। फरवरी के मध्य तक मुंबई की ड्रीम परियोजना कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन हो सकता है। ये देश की पहली ऐसी सड़क है जो समुद्र के अंदर से भी गुजरेगी। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी कोस्टल रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। इस पर यातायात के लिए वर्ली और मरीन लाइंस के बीच एक लेन को खोला जाएगा। इसके शुरू होने के बाद 10 किलोमीटर का सफर महज 8 से 10 मिनट में होगा। लोगों का 40 से 50 मिनट समय इससे बचेगा, यानी 70% समय की बचत होगी और 34% ईंधन बचेगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक लोग वर्ली से मरीन ड्राइव आ सकेंगे। 13,898 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अब तक 9,383 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत 29.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना है। पहले फेज में 10.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी शुरुआत जल्द हो सकती है। खास बात यह है कि करीब 10 किलोमीटर की सड़क में 2.5 किलोमीटर समुद्री टनल है, मतलब समंदर के अंदर रास्ता है। कुल 5 किलोमीटर का सफर समंदर के अंदर से है। सोचिए कैसे सफर के दौरान सपने के पूरे होने जैसा अनुभव होगा। समंदर के अंदर सुरंग होगी, सुरंग के अंदर बने हाईटेक रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां होंगी। यह आनंद मुंबई वालों को बहुत जल्द मिलने वाला है। इस रास्ते के शुरू होने से सिर्फ जाम से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि वक्त और पैसे की भी बचत होगी। हर सपने के साकार होने के पीछे कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष की कहानी होती है। मुंबई के कोस्टल रोड परियोजना को भी सफल बनाने के लिए इंजीनियर्स से लेकर मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर समंदर के अंदर टनल बन पाई। यही नहीं, इस सफर की, इस प्रोजेक्ट की विशेषता है, आगे आपको बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से मुंबई वालों का जीवन कितना आसान होगा, लेकिन पहले ये जानिए कि समंदर के अंदर का सफर कैसा होगा और कैसे ये संभव हुआ। इसे देश की सबसे बड़ी सुरंग खोदने की मशीन TBM से खोदा गया है। समंदर के अंदर 2 टनल हैं जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर है। पहली टनल का काम 10 जनवरी 2022 को पूरा हुआ था। दूसरी टनल का काम अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। ये टनल मलबार हिल पहाड़ी, हैंगिंग गार्डन और गिरगांव से समुद्र के नीचे से बनाई गई है। सड़क वाली ये सुरंग समंदर से 10 से 70 मीटर तक गहराई में बनाई गई है। टनल में खास सार्डो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सुरंग में कुल 6 लेन सड़कें भी बनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे ऐसी तकनीक के साथ बनाया गया है जिससे 120 सालों तक मजबूती बरकरार रहेगी। अगर सुरंग में कोई दुर्घटना होती है तो एक तुरंत इमरजेंसी अलर्ट BMC के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और यातायात पुलिस को चला जाएगा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी।